समझौता एक्सप्रेस पीर को भारत रवाना होगी। शेख रशीद कहते हैं कि भारत अमन से रहे तो अमन होगा, वरना हम बड़े गर्म हैं। पाक फजाया एक ही नहीं 10 भारतीय पायलट पकड़ सकती है। हरीसा खाने निकला तो लाहौरियों ने कहा जंग नहीं हुई, मजा नहीं आया। अखलाक बाजवा मजीद रिपोर्ट करेंगे। शेख रशीद अहमद के भी भारत पर ताबड़तोड़ हमले। बोले कि इमरान खान ने भारतीय पायलट को छोड़कर दानिशमंदी का सबूत दिया। उन्होंने कहा कि पाक फजाइया एक ही नहीं 10 भारतीय पायलट पकड़ सकती है। हमारे आर्मी स्पोक्स पर्सन ने, जनरल क्या ना, आसफ गफूर साहब ने बहुत जिम्मेदारी का बयान दिया, अमन की बात की और उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। डोंट वरी, पाकिस्तान की अजीम फजाइया है, जिस दिन कहेंगे आप पकड़ लेंगे, आने दें इनको। शेख रशीद अहमद का कहना था कि जिंदा दिलाने लाहौर भारत से जंग के लिए बेताब हैं। हरीसा खाने निकला तो लाहौरियों ने कहा जंग नहीं हुई, मजा नहीं आया। वजीर रेलवे ने खुद भी शहादत की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। आधे लाहौरियों ने मुझे कहा कि शेख रशीद आपकी बातों से मजा आया, कोई मजा नहीं आया, दिल था कि इस दफा लड़ाई होती। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं हरीसा खाना गया, जो बंदा मुझे मिला सुबह हरीसे की दुकान पे, उसने कहा जी मजा नहीं आया शेख साहब, ये तो तड़प रहे हैं कि मौका मिले हम चीर फाड़ दें। शेख रशीद अहमद ने बताया कि समझौता एक्सप्रेस पीर से भारत रवाना होगी। वजीरे रेलवे ने लाहौर रेलवे स्टेशन की तज़ीनो आराइश का भी ऐलान किया। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ इखलाक अहमद बाजुआ, लाहौर न्यूज।